पपैया फार्मिंग करके लाखों कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक देखें। ये जो देख सकते हैं पपैया का पेड़ है और ये पपैया पक चुका है और हमने तोड़ लिया है, और साइड में भी देख सकते हैं ये छोटा सा पेड़ है और भरपूर ये फूल आ गया है और नीचे फल भरा हुआ है। तो इसका सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पपैया का फूल है, तो ये पेड़ में फ्रूट नहीं आया है, तो अभी इसके फार्मिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, तो इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। पपैया फार्मिंग करके किसान आजकल बहुत अच्छा खासा मुनाफा करते हैं, तो जो भी पपैया फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये देख सकते हैं इस पेड़ पे पपैया आ गया है, तो हर साइज का पपैया इसमें भरा हुआ है। तो अच्छा पपैया आने के लिए इसके लिए केयर की ज़रूरत होती है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पपैया का कोई सीजन नहीं रहता है, साल में हर सीजन में इसको लगा सकते हैं और हर वक्त होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। तो एक पेड़ से आप कई साल तक इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो इस पेड़ पे बहुत बेहतरीन फ्रूट आया है। ये देख सकते हैं ये जो पेड़ है ज़्यादा वज़न होने की वजह से तो गिर गया है, देख सकते हैं एक ही पेड़ से तीन चार उसका शाख निकला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा फ्रूट हो गया है, इसकी वजह से वो लोड नहीं सह पाने की वजह से इसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे ये घर है इसके ऊपर सपोर्ट में है, अच्छा खासा फ्रूट आया है इसमें। ये देख सकते हैं दूसरा पेड़ है, तो इसमें अच्छा खासा फ्रूट आया है, ये छोटा सा पेड़ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको पपैया जो है इसको बहुत तरह से इस्तेमाल होता है, इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसको कच्चा भी खाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, और जो पक जाता है उसको फ्रूट के रूप में खाते हैं फ्रूट। पपैया जो होता है जब कच्चा रहता है इसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, करी वगैरह बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, और इससे आपको जानकारी के लिए बता दें इससे टूटी फूटी भी पपैया से बनाया जाता है, तो आप लोग भी बना सकते हैं, उसका रेसिपी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा कैसे बनाया जाता है। और ये देख सकते हैं पपैया पक गया है, पक जाने के बाद इसको फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत मज़ेदार होता है खाने के लिए, और इसमें बहुत सारा सेहत के लिए फ़ायदा होता है। और पपैया फार्मिंग करके किसान अच्छा खासा मुनाफा हासिल करते हैं, तो आप लोग भी चाहेंगे तो पपैया का फार्मिंग करके लाखों कमाना चाहते हैं तो उन्नत किस्म का जैसे हाइब्रिड पपैया का फार्मिंग करने की कोशिश करें, और देसी पपैया भी फार्मिंग कर सकते हैं, तो इस देसी पपैया में थोड़ा उत्पादन कम होता है और हाइब्रिड में थोड़ा ज़्यादा होता है उत्पादन, उससे मुनाफा भी ज़्यादा होता है।
ये देख सकते हैं ये पेड़ टूट गया था, अब इससे दो तीन शाख निकल रहा है, तो धीरे धीरे इसमें भी फल आने लगेगा। तो इसको बंदर ने तोड़ दिया था। इसी तरह हम फार्मिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो के आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।